हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं नई जॉब की जो डाक विभाग द्वारा निकाली गई है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, 3,951 वैकेंसी हैं और इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। और अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है और डाक सेवक की वैकेंसी है। इसमें अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो है 3,951 वैकेंसी है। वहीं पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,814 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1,000 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 314 वैकेंसी है, एससी के लिए 750 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए 11 वैकेंसी है। वहीं पर पीडब्ल्यूडी सी कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 24 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 29 वैकेंसी है। टोटल 3,951 वैकेंसी है। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 रुपये सैलरी है 4 घंटे के लिए और 14,500 रुपये सैलरी है 5 घंटे की। वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी 10,000 रुपये है 4 घंटे के लिए और 12,000 रुपये है 5 घंटे के लिए। वहीं पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि यूपी में अप्लाई करने के लिए आपको हिंदी आना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए 60 दिन का। वहीं पर अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ओबीसी को 13 साल और एससी एसटी को 15 साल की छूट दी जाएगी। वहीं पर अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, वहीं पर सभी महिला उम्मीदवार और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कक्षा 10 की मेरिट बेस्ड पे होगा, इम्पोर्टेंट डेट की तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है 22 मार्च 2020 को इशू हुआ था और फॉर्म भरने की डेट 23 मार्च 2020 से शुरू हो रही है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2020 है और फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है जो कि यहाँ पर एम्बेड किया हुआ है इस पोस्ट में, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप यहाँ पर जाएंगे और इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके बताए गए हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। जिन लोगों को फॉर्म फिल करना है, मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर फॉर्म को फिल कर दें। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।